अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक्सेल एक बहुत पावरफुल और वर्सटाइल स्प्रेडशीट है। आज हम पिकअप सॉल्यूशन की पहले लेक्चर में हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे। तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। मेरे पास एक्सेल 2016 है, हो सकता है आपके पास 2007 हो, 13 हो, कोई भी हो, लेकिन फार्मूला और ये चीज़ें थोड़ा मेन्यू और डिज़ाइन में फ़र्क होता है। उसके बाद सारी चीज़ें सिंपल है। जब भी आप एक्सेल खोलते हैं तो ये हमें न्यू का ऑप्शन दे देता है, होम का बटन दे देता है, न्यू का ऑप्शन दे देता है, हम न्यू पे चले जाएंगे। न्यू शीट में भी हम साफ ज़ाहिर है कुछ वो टेम्पलेट हमें दे देता है, टेम्पलेट बने होते हैं, चीज़ें काफ़ी सिस्टम ने की होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से काफ़ी टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमने पहले सीखना है कि फार्मूला और फार्मेटिंग और इसके बारे में। तो हम सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे। ये हम वर्कबुक आ गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसके इसकी होती हैं और कैसे हमने इनको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाती है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार का मतलब है जिसको हम जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बार बार उसको सेव करना होता है, अगर हमारा यूपीएस नहीं लग रहा, हम पीसी पे काम कर रहे हैं तो हमने उसको सेव करना होता है, इसलिए प्रव्यू है, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है और भी बड़े ऑप्शन है। इसको हम मॉडिफाई भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया हुआ है न्यू ओपन सेव, ईमेल का भी आप कर सकते हैं, क्विक प्रिंट का भी। क्विक प्रिंट का मतलब है प्रव्यू नहीं दिखाएगा, सीधा प्रिंट मार देगा, लेकिन मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है प्रिंट प्रव्यू एंड प्रिंट। प्रिंट प्रव्यू का मतलब आप पहले तो उसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं फिर प्रिंट करते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाती है कि जो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ वो प्रिंट हो रहा है या उससे कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। उस पर असेंडिंग डी असेंडिंग ऑर्डर है, टच पैड माउस है, कोई मोर कमांड है और जो भी है उसमें मजीद ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो अच्छा, इस तरह आप क्विक एक्सेस बार में मिसाल के तौर पर ये आपने बोल्ड इसमें ऐड करना है, ऐड टू क्विक एक्सेस बार आप कर सकते हैं। राइट क्लिक आपने करना है, जस्ट राइट क्लिक और ये मेन्यू ऐड हो जाएगा। कोई भी बोल्ड इटैलिक आप बार बार करते हैं तो वो ये वैसे भी ऐसे एक्सेल में 2016 में ये सामने इसके ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये फिर जो टूल बार आ जाती है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये टूल बार आ गई मेन टूल बार। इसको मेन टूल बार करेंगे, न्यू करने के लिए है, सेव करने के लिए है। आप देखें इसको सेव का बटन आ जाता है, सेव एज का। सेव एज का मतलब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, एक मतलब आपने सेव किया हुआ है, फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आपको सेव एज करना पड़ता। और प्रिंट का है, उसको प्रिंट करने के लिए बटन दिया हुआ है, प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने अभी न्यू किया हुआ है तो हम इसी पे आगे चलते हैं। उसके बाद इसका ओम का बटन है, एक्सर्ट का है, ये साथ साथ चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे और इंशाल्लाह, ताकि आपको याद भी रहें और हम सीख भी सकें। इसमें ये ऊपर से नीचे कॉलम है, ये ए कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है। ये कॉलम के ऊपर जो ए बी सी लिखा होता है अल्फा, इसको कॉलम लेटर बोलते हैं, लेटर लेटर ए बी सी लेटर जैसे लेटर होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको रॉ बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। रो का हमेशा नंबर होता है और कॉलम का हमेशा लेटर होता है, और ये बात समझने की बड़ी ज़रूरी है। सबसे मेन एक्सेल में काम ये है कि आपको इसका पता चल जाए। और इसको बोलता है नेम बॉक्स, मैं इसलिए क्लिक साइड पे कर रहा हूँ, आप भी पढ़ लें समझ में। इसको बोलता है नेम बॉक्स, ये जो कॉलम या सेल का नाम होगा या किसी डाटा का नाम होगा वो यहाँ शो होगा। हम अपनी मर्जी से भी डाटा का नाम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ जी पीक, इस पर मैंने पीक। अब यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और इधर इधर टाइप किया, इधर मैंने पीक लिख। अब जहाँ भी जिस जगह भी मैं पीक लिखूंगा इसमें ये पीक का बटन भी आ जाएगा, उसके जो जो नाम रखते जाएंगे आप अपने नाम रखो, उसकी लिस्ट भी बनना शुरू हो जाएगा, वो ये सिलेक्ट करके दे। ये बड़ा सीखना ज़रूरी है कि नाम नेम बॉक्स में नाम कहाँ से आता है। अच्छा, जो एक्सेल ने वो डिफॉल्ट में नाम दिया होता है, हमेशा पहले कॉलम का नाम आता है, कॉलम का लेटर आता है जी जी। अब देखो यहाँ पर जी4 आ रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको
समझना आसान हो जाए। अब ये देखो, ये कॉलम है जी और ये है फोर, यहां पे क्या आ रहा है जी फोर, क्या आ रहा है जी फोर। अब इस पे है डी, ये डी कॉलम है और सिक्स है, ये डी सिक्स नेम आ रहा है। जो नाम उसने दिए हुए हैं, जितने भी सेल हैं वो और वो शीट्स हैं वो, उस पे सब के उसके नाम दिए हुए हैं। तो ये नेम बॉक्स बड़ा सीखना जरूरी है, नेम बॉक्स है। उसके बाद ये फार्मूला बार है, जो भी हम फार्मूला लगाएंगे इसी पे आएगा, ये फार्मूला बार है। हम डिफॉल्ट में भी फंक्शन दिए होते हैं उस पर भी काम करेंगे, हम खुद भी फंक्शन लगाएंगे वो भी हम उस पर भी काम करेंगे। ये ऊपर नीचे अगर बड़ा फार्मूला तो आप नीचे करके उसको देख के तसल्ली से फिर आप एंटर मारें ताकि फार्मूला प्रॉपर एक्टिव और काम करें। और ये एक्टिव सेल है, इसको बी थ्री जो है एक्टिव सेल है। ये बॉक्स जो है यहाँ ये कर्सर होगा, ये एक्ट तीन चीजें एक्टिव करेगा, एक ये सेल इटसेल्फ खुद अपने आप को एक्टिव करेगा, एक कॉलम का नंबर एक्टिव लेटर एक्टिव करेगा, एक रो का नंबर एक्टिव करेगा। मैं मिसाल के तौर पे एफ पे आ जाता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, नॉर्मल बाकियों से नॉर्मल थोड़ा हाईलाइट, यानी कॉलम को भी हाईलाइट करता है, रो को भी, यानी कि एफ सिक्स का ये बॉक्स है, एफ सिक्स का ये बॉक्स, बॉक्स मतलब सेल, सेल सॉरी एक्सेल में ज्यादा सेल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये एक्सेल का सेल है। उसके बाद ये पूरा रिबन है, रिबन में ग्रुप बने हुए हैं, जिस तरह ये ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, उसके पेस्ट एक्सेल जो शॉर्ट शॉर्ट की थी उसमें सारा उसी में काम आता है, ये फॉन्ट की सेटिंग का बॉक्स है, ये ग्रुप है सारे, और ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये उसकी फॉर्मेटिंग का ग्रुप है, मतलब ये नंबर फॉर्मेट का है, सिर्फ नंबर फॉर्मेट। ये ग्रुपिंग भी इसलिए दी हुई है कि एक तरह का काम, एक इंशाल्लाह हम ग्रुप की अफादियत का बताएंगे, उसका इस्तेमाल बताएंगे, आगे चल के सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी। और इसके फॉर्मेटिंग का आगे ये टैब है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, टेबल कैसे लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कोई इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रॉ डिलीट करनी है, ऐड करनी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह, और फिल्टर लगाने हैं और ग्राफिकल रिपोर्ट्स बनानी है। एक्सेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसमें तकरीबन 10,48,000 के करीब जो हैं रॉ हैं, ये इस तरफ ये रो 10,00,000 से अबव है, और ये जो कॉलम है तकरीबन 16,000 से अबव है, 16,300 से अबव है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। ये इतनी बड़ी शीट है, स्प्रेड शीट है, बहुत बड़ी शीट है, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, जितने पेज बनते जाएंगे वो पेज का आप बताता जाएगा कि इतने पेज बन गए, और एक शीट के बाद दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, जैसे शीटें भी ऐड हो जाती हैं। ये नीचे आ जाता है शीट टैब, इसको बोलते हैं शीट टैब। आप अपनी मर्जी से नई शीट ऐड कर सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट भी बना सकते थे, नई भी ऐड कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट बनाना कैसे बनानी है वो बताऊँगा इंशाल्लाह। अभी हमने ऐड माइनस, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट मार देते हैं। अभी हम एक ही शीट रखते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने ऐड किया, ऐड माइनस शीट कर सकते हैं। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऊपर से नीचे जो आ रहा है वर्टिकल स्क्रॉल बार है। आप एरो की से भी ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आप ये चलता रहेगा आगे, ऊपर नीचे नंबर दौड़ते रहेंगे, लेफ्ट राइट भी, आप हॉरिजॉन्टल भी एरो की से आ सकते हैं। और ये नॉर्मल पेज व्यू है, ये पेज लेआउट है कि पेज का वो बता देता है, यहाँ पे एक पेज आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है। ये ब्रेक, ये दोनों पेज के दरमियान ब्रेक कर देता है कि एक पेज यहाँ पे है, एक लाइन आ जाती है, वो जब हम करेंगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ये जूम पहले मैंने किया भी आपके सामने, ये प्लस में बड़ा हो रहा है, माइनस में छोटा हो रहा है, बड़ा छोटा आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने बड़ा किया हुआ है। आज हम थोड़ा सा डाटा बनाएंगे और उसी डाटा को आगे हम मॉडिफाई करते रहेंगे। मैं मिसाल के तौर पे एक एम्प्लाई की शीट बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया एम्प्लाई कोड दे दिया, टाइम भी बचता जाए। उसके बाद मैंने अच्छा आगे पीछे मूव करने के लिए एरो की भी इस्तेमाल से कर सकते हैं टैब, लेकिन राइट पे जाने के लिए आप टैब यूज़ करें, ज़्यादा सही होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है, नीचे आने के लिए एंटर यूज़ करेंगे। अच्छा इसमें एक और भी तरीका ये है, अगर टैब से जहाँ से डाटा आपने कोई भी फार्म शुरू किया टेबल है और एंटर मारेंगे बिल्कुल उसी के नीचे वाली रो में आ जाएगा।
आपको बार बार पीछे जाके एरो के साथ या माउस के साथ पकड़ना नहीं पड़ेगा, सारा काम है कीबोर्ड पे होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने टैब का बटन, दिखा देता हूँ कीबोर्ड की, मैंने एक पिक्चर रखी थी सामने कि ताकि आपको पता चलता रहे कीज कौन कौन सी हैं। ये टैब का बटन होता है, मुख्तलिफ कीबोर्ड पे मुख्तलिफ तरीके से होता है इसका। ये टैब का बटन आता है, एरो कीज ये हैं, ऊपर नीचे जो भी है, ऐसे भी आ जा सकते हैं और टैब से भी आ सकते हैं। तो मैं माउस के भी इस तरीके से लेफ्ट राइट सबको पता है, ये नॉर्मल यूज की चीज़ है, हर बंदा यूज करता है, ऐसा नहीं है कि माउस ना यूज करे। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये लेफ्ट की है, ये राइट की है, ये दरमियान वाला जो स्क्रोल बार का काम करता है, जब भी आप ऊपर नीचे वर्ल्ड एक्सल में इसको ऊपर नीचे घुमाए तो ये स्क्रोल बार का काम करता है, और ये बहुत अच्छी अच्छा टूल है। ऐसे डबल क्लिक का भी बाद में ऑप्शन दिया होता है, बटन दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता, तो आप अपनी सहूलत से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये साथ साथ आपकी चीज़ें होती रहेगी। तो मैंने पहले कॉलम में दोबारा एरो की से ऊपर आया, अब एरो की से मैं ऊपर आया तो अब पहला सेल मेरा मुकम्मल हो गया, इसको मैंने नहीं बनाना। फिर अगले में चला गया, एम्प्लॉय नेम मैंने डाला, एम्प्लॉय नेम डाला मैंने उसका, फादर नेम डाला मैंने, CNIC डाल दिया, उसका सेल नंबर डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, अब ये सारी चीजें जब मैं कर चुका हूं तो करने के बाद स्पेलिंग इसके देख, बाद में अगर स्पेलिंग का मसला हो तो आप स्पेलिंग देख सकते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, स्पेलिंग भी देखना हम सीख लेते हैं कि हम जो जो डाटा बना रहे हैं वो सही भी बना नहीं बना। अब देखो मैंने जैसे एम्प्लॉय के स्पेलिंग गलत लिखे और जानबूझ कर कुछ चीज़ों के स्पेलिंग गलत लिखे तो वो ये बताएगा कि वो कह रहा है एम्प्लॉयज होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, आपने ये लिखा, मैंने कहा मैंने गलत लिखा, आप सही चेंज कर दो, उसने सही वाला कर दिया। मैंने दूसरा भी कहा, वो कह रहा है ये तीन है, मैंने कहा ये सही वाला कर दो, मैंने कहा फादर के मैंने गलत लिखा, उसने कहा ये है फादर, उसने सही कर दिया। एड्रेस का मैंने गलत लिखा, उसने कहा सही करना है, मैंने कहा कर दो, ओके है। जो आपको ओके लगे सर पलंग फिर आप उसके बाद आपने इसको एक तो ये जो एरो बन जाता है ऊपर प्लस प्लस का निशान बनता है, लेकिन दोनों राइट से लेफ्ट साइड पे एरो का बटन बनता है, एरो की नोक बनती है, तो फिर आप उस पर डबल क्लिक करोगे जब बन जाए, इधर नहीं करोगे इधर कोई फायदा नहीं है, इधर ये दोनों के सेंटर में जब करोगे तो ये आगे बढ़ा देगा प्लस का बटन, ये वो एक सेल पूरे करने का ये मतलब है। दूसरा ये मिसाल के तौर पर हमारा एड्रेस लंबा होता है तो हमने राइट क्लिक किया, कॉलम वेट तो हमने अपनी मर्जी से एडजस्ट करनी है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको 22 कर दिया ताकि एड्रेस हमारा आ सके। एड्रेस को हम ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे हाउस नंबर को अलहदा कर सकते हैं, स्ट्रीट को अलहदा कर सकते हैं, मल्ला ये वो अलहदा कर सकते हैं, इस तरह ये चलता रहता है। 12 कर दिया, और ये आज हमने छोटी सी फॉर्मेटिंग और ये चीज इंट्रोडक्शन सीखा, फिर इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको आगे बढ़ के हम इंशाल्लाह आगे करते जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट रहेगी।